सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और दीपक ऑटो रिपेयर के अपकमिंग वीडियोस देखें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, दीपक ऑटो रिपेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा बाइक की जो क्रैंक होती है उसकी रिपेयरिंग किस प्रकार से करते हैं, उसमें नई कनेक्टिंग रॉड, बिगन और बेयरिंग को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, और दोस्तों उसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं या उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस ये हम जो क्रैंक का जो बिगन होता है उसको चेंज किस लिए करते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जब बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, धीरे धीरे जो होते हैं उसमें बेयरिंग के जो छर्रे होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें आवाज़ आने लग जाती है, तो वो टिक 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 का साउंड करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें यह बिगन और जो बेयरिंग होता है वो चेंज करने होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका जो कि ये खराब है कि नहीं है इसके बारे में हमें पता करना हो तो हम क्रैंक को बाहर निकाल के उसको एक तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसमें चाल होती है ऐसे साइड में, ये तो मतलब थोड़े दिन चलने के बाद में चाल सभी में हो जाती है, पर देखिए एक हम इसको ऐसे घुमाएंगे थोड़ा सा तो इसमें ऐसे राउंड खाएगी, ये थोड़ा सा ऐसे घूमना नहीं चाहिए, चाहे आप थोड़ा बहुत ऐसे साइड में हिल सकती है पर ये जो है ये ऐसे घूमनी नहीं चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी घूम रही है तो इसके कारण इसको फिर से रिपेयरिंग किया जाता है। ये जो बिगन सेट है इसका ये चेंज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो बिगन सेट है और ये क्रैंक है, तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे और किस प्रकार से इसको रिपेयर करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक जो दूसरा इसका होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों इसमें कट 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 आवाज़ आती है, तो उसको हम चेक करना होता है वो आती है कि नहीं आती है। वो ऐसे हम क्रैंक को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर यहाँ से चोट मारेंगे, देखिए इसमें आवाज आ रही है टक टक, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्रैंक हमारी खराब है। तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास में जो घंटी का बटन है वो भी जरूर दबा दें, जिससे बाइक से जुड़ी सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें ये जो तो ऐसे इसकी जो गियर है ये हम बाहर निकाल लेंगे, ये इसका पुलर आता है इस प्रकार से, तो ये गियर है वो बाहर निकल जाती है। तो ये जो गियर है वो आसानी से देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करेंगे और उसका हमारे पास में औजार जो है, जो टूल्स हैं वो एकदम से सही होंगे तो हमारा काम जो है आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से लगी हुई थी इसमें, तो हम इसको याद रहे इसके लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे उल्टा, जिससे वापस लगाने में भी दिक्कत ना आए। और दूसरा जो अब हम इसके ये जो बेयरिंग है वो निकालेंगे, तो यहाँ से ये जो है हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक जो पुलर है उससे हम इसके बेयरिंग जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और इसको फिर यहाँ से ऐसे दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बेयरिंग जो है ऐसे बाहर आ जाता है, फिर हम दूसरा बेयरिंग जो है निकालेंगे। तो ये हमारा जो दूसरा जो बेयरिंग है वो भी बाहर आ गया, और जो आगे का जो काम है वो हम हाइड्रोलिक जो प्रेस है उसमें करेंगे।
दोस्तों आप जो ये बेयरिंग जो निकालने का काम है वो आप जैसे छेनी वगैरह से भी करते हैं और यहाँ पे इसमें साइड में जो बेयरिंग के पास में जो लगा के करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये क्रैंक जो है डैमेज होती है। तो हम इसको आराम से अगर हमारे पास में सही टूल्स है तो उससे करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में हम प्रकार से यहाँ पे इसको रखेंगे और क्रैंक को खोल लेंगे। इसको दबा के ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो हमारी जो क्रैंक है वो ऐसे खुल गई है। फिर उसके बाद में हम इसको जो है दूसरी जो साइड है पिन की वो हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारी जो क्रैंक है वो हमने यहाँ से खोल लिए। अब हम इसको फिटिंग किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल दिया होता है तो इसमें क्रैंक में जो ऑयल जाता है वो यहाँ से जाता है और यहाँ से होके यहाँ पे निकलता है और फिर जो बिगन होता है वो इसमें यहाँ पे होल होता है वो इसके सामने रहता है और जो क्रैंक के बीच में जो बेयरिंग होता है उनमें यहाँ से ऑयल चलता है इन दोनों जो होल होते हैं उनसे। तो हमें क्या करना होता है ये जो होल है उसमें हमें चेक करना होता है कि ये खुला है कि बंद है तो उसमें एक बार हवा मार के देख लें तो ये हमारा जो होल है एकदम से सही है। उसके बाद में हम इसमें जो नया बिगन है वो डालेंगे। कनेक्टिंग गार्ड जो सेट होता है उसको हम चेंज कर देंगे। तो हम इसमें जो बिगन सेट है वो हम चेंज कर देंगे। तो ये जो कनेक्टिंग गार्ड होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ये यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड होती है, ये इसमें एक बेयरिंग होता है और ये पिन होती है। तो ये तीनों चीज हम चेंज कर देंगे। हमें सबसे पहले जो फिटिंग करनी होती है वो जो इसमें जो होल दिया होता है इसमें हमें फिटिंग करनी होती है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और ये यहाँ पे जो बिगन में जो होल है ये हमें इसके सामने रखना होता है, इस होल के एकदम से सामने रखेंगे इसको। यहाँ पे ये जो होल होता है वो इसके सामने हम यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद में इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो ये जो प्रेस करने के लिए अगर हम इसको प्रेस से अगर क्रैंक को बना रहे हैं तो हमें जो पिन है वो एकदम से दोनों साइड से एकदम से फेस होना चाहिए उसका और फिर उसके बाद में हम इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है जैसे जैसे हम इसको ठोकेंगे यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे उस हिसाब से इसको यहाँ पे देखते रहेंगे कि कहीं अटक तो नहीं रहा है एकदम से।
पे जो इस क्रेन की एक साइड है हमने फिटिंग कर दी है और उसके बाद में अब हम जो दूसरी साइड है उसको फिटिंग करेंगे। उसको फिटिंग करने के लिए हमें क्या करना था, इसको हम यहाँ पे क्रेन को डाल देंगे और उसके बाद में ये जो बिगन है ये दूसरा पार्ट जो है क्रेन का उसके ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से स्केल से नाप लेंगे एकदम से सीधा जो दोनों पार्ट है उनको इसको सीधा रख के यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए घुमा के देख लेंगे एकदम से हमारा जो बिगन है वो एकदम से सीधा चल रहा है और फिर इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे बिगन जो है हमारा वो एक साइड से थोड़ा ज्यादा बाहर आ गया है तो हम इसको वापस से थोड़ा सा निकाल देंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें जो बेरिंग है वो डाल देंगे नए। ये यहाँ पे जो टाइमिंग की जो गियर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये जो इसकी दांती होती है एक ये होती है ये जो गार्ड बना हुआ है खाचा है जो ये है, तो हमें हीरो होंडा में क्या करना होता है कि ये जो खाचा है ना ये हमें यहाँ पे ये जो मैग्नेट की जो काटर होती है इसके सामने इसको मिलाना होता है और बाकी सभी गाड़ियों में जो ये दांता है जो पिनियन का जो तो उसको मिलाना होता है, तो हमें यहाँ पे इसके सामने इसको खाचे को रखना है जो ये गेप बना हुआ है तो इसको हमें इसके सामने रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका एक खाता जो है वो हमने यहाँ पे मिला दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने ये खाता जो है वो यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है दोस्तों बंद कर दिख गो। तो ये टाइमिंग गियर है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में दो दूसरी साइड का भी बेरिंग है। ठीक है ये दोनों साइड के जो बेरिंग हमारे यहाँ पे हमने फिटिंग कर दी है, इसके बाद में हम इसका जो अलाइनमेंट है वो हम करेंगे। तो हमें अलाइनमेंट किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है कि ये जो अलाइनमेंट है तो हमारे पास में इस प्रकार का माइक्रो होता है जिसमें यहाँ पे नंबर लगे हुए होते हैं और हमें तो यहाँ से हम इसको घुमाएंगे तो ये जो बिगन है इसको हम यहाँ पे थोड़ा रोक देंगे एक बार। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोक देंगे और उसके बाद में इसको यहाँ पे घुमा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो घड़ी की जो सुई है ये कितनी हिल रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारी क्रैंक है वो अभी अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है इसका। तो अब हमें क्या करना होता है, एक दूसरा जो हमारे पास में मीटर होता है वो किस प्रकार का होता है
तो इससे भी हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें हमें गैप खुद देखना होता है, अपनी आंखों से देखना होता है इसमें गैप कितना है। तो हम अगर हमारे पास में ये वाला जो मीटर है अगर वो नहीं है तो हम इसे भी इसको मिला सकते हैं। तो हमें इसका जो गैप है वो हमारी नजरों से हमें देखना होता है ये किस प्रकार से मिलाना है। तो मैं अभी यहाँ पे ये जो मीटर है वो मैं काम में लूंगा। इससे क्या होता है दोस्तों, एकदम से जो एग्जैक्ट होता है वो हमें पता चल जाता है। यहाँ पे ये जो साइड है क्रैंक की वो ऊंची है, यहाँ से ये थोड़ा ऊपर आ रहा है तो हम इसके ऊपर तो यहाँ पे हमें यहाँ पे चोट मारेंगे इसको, जो इसका जो अलाइनमेंट ठीक करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे चोट मारनी होती है। तो हाथ में पकड़ के इसको देखिए, अभी भी हमारी जो घड़ी की सुई सुई है वो हिल रही है। देखिए जो साइड है ऊंची है यहाँ पे, तो उसके जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर हमें चोट मारनी होती है। तो यहाँ पे एक जो कोई लोहे का टुकड़ा है वो हमें लगाना होता है जिससे हमारी जो क्रेंक है वो और यहाँ पे हम चोट मारेंगे। यहाँ पे कोई स्क्रेच नहीं हुआ, क्रेंक हमारी एकदम से जो नई तरह की होती है उसी तरीके से पड़ी है। देखिए अभी ये जो सुई है वो थोड़ा कम हो गई है हिलना। यहाँ पे एक और चोट मारेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी घड़ी की जो सुई है वो अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। देखिए ये जो घड़ी है वो बिल्कुल भी अब नहीं हिल रही है, तो इसका मतलब ये अगर एक यहाँ पे इसमें जो बाकी लाइनें दी हुई है अगर ये एक से दो लाइन तक अगर हिलती है तब भी ये हमारी चलती मतलब चलने लायक होती है करेंगे। बाकी अभी ये हमारी जो सुई है वो बिल्कुल से भी नहीं हिल रही है। तो ये हमारा जो क्रेंक का जो अलाइनमेंट है वो एकदम से ओके है इस साइड का। और हमें जो मैग्नेट की जो साइड होती है उसे हमें एकदम से बढ़िया मिलाना होता है। और ये जो दूसरी जो साइड होती है वो हमारी थोड़ी बहुत अगर टेढ़ी भी हो तो भी चलती है। देखिए ये साइड बहुत ज्यादा हिल रही है, तो हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी जो साइड है वो हमारी इतना थोड़ा सा हिल रही है। तो ये जो साइड है वो इतना
चल सकती है, तो इस साइड को हम ज्यादा नहीं देखेंगे। और अगर हमारी इससे भी ज्यादा अगर बढ़िया आती है तो वो बहुत बढ़िया है, बाकी ये जो हमारी करेंगे वो एकदम से ओके है। और इस साइड से हमने यहाँ पे इसको 0-0 जो है वो यहाँ पे मिलाना होता है, जो कि हमने यहाँ पे मिला दिया इसको। देखिए यहाँ पे जो ये सो साइड है वो हमारी 0-0 हो गई है, और ये थोड़ा बहुत अगर हिलती है तो भी चलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो क्रेंक है उसका जो अलाइनमेंट है वो एकदम से सही हो गया। तो मैंने आज आपको बताया कि जो क्रेंक की जो फिटिंग होती है, जो रिपेयर उसको रिपेयर किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो वो मैंने आज आपको करके बता दिया। इंजन में जो है इस प्रकार से ये चलती है। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो आपके पास में अगर इस प्रकार का जो माइक्रोमीटर होता है उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला जो माइक्रोमीटर है वो अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।